जैसा कि इंडियन फुटबॉल पार्ट वन में मैंने आपको बताया कि भारतीय फुटबॉल कैसे अर्श से फर्श पर पहुंच गया और उसकी इस दुर्दशा का क्या कारण है, मैं आपसे इस एपिसोड में डिस्कस करूंगा। 1951 से लेकर 1962 तक का समय भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग माना जाता है। सैयद अब्दुल रहीम के संरक्षण में भारतीय टीम एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन चुकी थी। स्टेमिना सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी खेल के लिए और सबसे कम ध्यान स्टेमिना पर ही दिया गया। फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर फुटबॉल की बात की जाए तो क्रिकेट से दो गुना ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है फुटबॉल में, लेकिन सबसे कम ध्यान भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों के स्टेमिना पर ही दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच होता है 90 मिनट का, लेकिन भारत में खेला जाता था 50 मिनट का मैच। 1970 तक यह चालू रहा। जाहिर सी बात है, भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लायक स्टेमिना मेंटेन नहीं कर पाए। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में आखिरी के 20 मिनट में ही 3 गोल खाकर भारत को ओलंपिक में सेमीफाइनल से बाहर होना पड़ा था, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी थक चुके थे। बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैच भारतीय फुटबॉल टीम खेलती नहीं थी। एक और बड़ा कारण है बड़े मैच नहीं खेलना। क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ओडीआई वर्ल्ड कप, 1975 से शुरू है और भारत लगातार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 1930 से शुरू हुआ और आज तक फीफा में भारतीय फुटबॉल टीम क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। 1950 में डिफॉल्ट एंट्री हुई भी तो शॉर्टेज ऑफ मनी का रीजन बताया गया और टीम को वर्ल्ड कप खेलने भेजा ही नहीं गया। 1952 से 1974 के बीच में टोटल 7 फीफा वर्ल्ड कप में भारत ने फीफा क्वालिफाइंग मैचेस में अपनी टीम ही नहीं भेजा। कोई भी उद्यम या खेल पैसा मांगता है, इन्वेस्टमेंट मांगता है, पर उद्यम शुरू ही नहीं होगा तो पैसा कौन लगाएगा? जब आप मैचेस ही नहीं खेलेंगे तो मीडिया क्यों दिखाएगा, तवज्जो क्यों देगा? खेल में अगर अनावश्यक नौकरशाही होगी, राजनीति का दखल होगा, तो भला कोई क्यों ऐसे खेल में निवेश करेगा? रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल क्लब, 50,000 करोड़ रुपए, BCCI से 10 गुना ज़्यादा अमीर। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के पास 100 करोड़ रुपए के आसपास का बजट होता है। दुनिया का 22वां सबसे अमीर क्लब 6500 करोड़ का मालिक है और वह भी भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन से ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI से भी ज़्यादा अमीर है। तो लब्बोलुआब यह है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF एक गरीब संगठन है और गरीब संगठन भला खेलों के विकास पर कैसे ध्यान दे पाएगा? अपने यहाँ कोई अच्छी फुटबॉल लीग आज भी नहीं खेली जाती है। इंडियन सुपर लीग पुरुषों के लिए भारतीय फुटबॉल लीग प्रणाली का उच्चतम स्तर है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और उसका कॉमर्शियल पार्टनर रिलायंस की फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड FSDL, ये दोनों लोग इसको प्रशासित करते हैं। लीग में टोटल 13 क्लब के आसपास खेल रहे हैं, जो कि संख्या के लिहाज से बहुत ही कम है। जाहिर सी बात है, इसीलिए यह उतना फेमस भी नहीं है। दूसरा, FSDL को पैसा देना पड़ता है क्लब्स को। जब FSDL पैसा कमाता है तो वह प्रॉफिट शेयर करता है इन क्लब्स को। ज़्यादातर फुटबॉल क्लब इसी वजह से लॉस में चल रहे हैं। पैसा कम तो सुविधा कम, सुविधा कम तो उत्साह कम, और उत्साह कम तो परिणाम तो खराब होने ही है। अंदरूनी राजनीति एक सबसे बड़ा कारण है। राजनीति जैसे कि बंगाल बनाम गैर बंगाल, राजनीति बनाम नौकरशाही, अनावश्यक हस्तक्षेप। 2022 में फीफा ने इन्हीं कारणों से AIFF को सस्पेंड कर दिया था। इन सब कारणों को देखते हुए खिलाड़ियों की अनदेखी और बेकदरी भी जारी रहती है। नेशनल फुटबॉल खेल चुकी, उड़ीसा में फीफा वर्ल्ड कप के लिए कैंप कर चुकी फुटबॉल प्लेयर लकी मीडिया को पकौड़े बेचते हुए मिली। भारत की रैंकिंग को ऊपर उठाने में कौन से कारक मदद कर सकते हैं? जैसे जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास में निवेश करना, घरेलू लीगों को बढ़ाना, उनकी गुणवत्ता बढ़ाना, बेहतर सुविधाएं, बेहतर कोचिंग, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भागीदारी, उच्च रैंकिंग वाली टीमों के साथ लगातार मैचेस खेलना, सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे रैंकिंग को ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे यूनिक और एक्सक्लूसिव एपिसोड्स देखने के लिए, जो आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी हैं, धे IAS की उठो और जागो प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। नमस्कार।